श्रोताओं, ये लॉकडाउन 3 का तीसरा दिन है। लोग 43 दिनों से घर के भीतर हैं। यूं तो ये हताश परेशान करने वाली स्थिति है, पर आदमी है कि अंधेरों में भी रोशनी ढूंढ लेता है, विपरीत परिस्थितियों को भी अपने अनुकूल बना लेता है। लोगों ने लॉकडाउन में भी सकारात्मकता खोजी है और अपने अनुकूल बनाया है। हम लगातार ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात करा रहे हैं जो लॉकडाउन में घरों पर रहकर दिए गए सभी दिशा निर्देशों का पालन कर रहे हैं और कुछ नया कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम आपकी मुलाकात रंगमंच से जुड़े कुछ नामचीन लोगों से करा रहे हैं। वे कैसे घर पर रहकर खुद को मोटिवेट कर रहे हैं और दूसरों को भी, और ये भी कि वे क्या कुछ नया कर रहे हैं। तो आइए मिलते हैं ऐसे ही कुछ रंगमंच के नामचीन लोगों से। इस समय हमारे साथ रुड़की से जुड़ गए हैं पंकज गर्ग जी। पंकज गर्ग जी एक जाना पहचाना नाम है रंगमंच का। पंकज जी, सबसे पहले तो आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। ये सबके लिए बहुत नई स्थिति है कि ये तरह का इस व्यवस्था में हम सब लोगों को रहना पड़ रहा है। निश्चित रूप से इसकी स्थिति के अपने तकाजे हैं। शुरू शुरू में तो थोड़ा अजीब लगा एडजस्ट करने में, पर ठीक है, धीरे धीरे एडजस्ट हुए इसमें और एक शेड्यूल इस वाले जीवन का भी बना। योगा है, कुछ पढ़ाई है, दोस्तों से बातचीत, सब ऐसे धीरे धीरे करके गुजर रहा है टाइम। लेकिन एक बात सबसे बढ़िया कि हम अपने परिवार के साथ टाइम बिता पा रहे हैं, जो अदरवाइज रोजमर्रा की भाग दौड़ में इस तरह से नहीं मिल पाता था। हमेशा हम ये कहते थे बिजी हैं, बिजी हैं, तो ये अच्छी बात लग रही है। कुछ नया किया आपने इधर? बहुत सारे लोग ऑनलाइन बहुत नए नए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, या फिर लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो उसके बाद कुछ करने का या लिखने का कुछ ऐसा आपका? हाँ, ये वाकई नई स्थिति, लेकिन इस दौर में भी एक नया ट्रेंड विकसित हो रहा है कि लोग कॉन्फ्रेंस की जो ये डिफरेंट एप्स हैं, इसके जरिए एक दूसरे से संवाद करते हैं। तो हमने भी यहाँ पे जितने हमारे कलाकार भाई उपलब्ध हैं, कलाकार साथी कहना चाहिए, तो उनके साथ हम सर स्टोरी टेलिंग के हम सेशन करते हैं कि एक किसी एक कहानी को हमने लिया और 4-5 लोग हम ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उस कहानी को एनेक्ट करते हैं। तो ये अनुभव बड़ा अच्छा है कि हम अपनी जो हमारे अंदर का कलाकार है उसको भी संतुष्ट कर सकते हैं, और जो रचनात्मकता होती है, सृजनात्मकता कह लीजिए के कलाकार के अंदर, की उसे अपने आप को एक्सप्रेस करना है, वो भी है। और नई नई कहानियां पढ़ते हैं, नए तरीकों से कर सकते हैं क्योंकि ऑडियंस हमारे सामने है, तो हम एक्सपेरिमेंट करने के लिए बहुत ज्यादा स्वतंत्र हो जाते हैं। अच्छा लग रहा है, बहुत सारी कहानियां पढ़ी इस दौरान, बड़े उपन्यास पढ़े। नाम अगर मैं लूं तो मैंने आवारा मसीहा पढ़ा इन दिनों, शरदचंद जी की जीवनी है, विष्णु प्रभाकर जी ने लिखी है। राग दरबारी पढ़ा, ईश्वर जी की कितने पाकिस्तान चर्चित उपन्यास है वो पढ़ा, एस प्रेमचंद जी को पढ़ा, शरदचंद को पढ़ा। इस तरह से जो कलाकार है उसको बहुत सारे नए नए आयाम मिलते हैं। ये लॉकडाउन का तीसरा चरण है और अब 17 तारीख तक बढ़ा दिया गया है, तो क्या सोचते हैं आप इस लॉकडाउन के बारे में? लॉकडाउन सर अल्टीमेटली तो कहीं ना कहीं खोलना ही पड़ेगा, ये तो बात है, लेकिन ये तीसरे चरण के बाद चरणबद्ध तरीके से खोल दिया जाए, क्योंकि लोग अब शायद इस बात को स्वीकार करने लगे हैं कि हमें कुछ समय तक इसी प्रकार जीना होगा, हमारी जीवन शैली यही होगी। मैं आपसे मिलने आऊं तो मैं 6 फीट का डिस्टेंस रख के आपसे बात करूं, मैं किसी चीज को छूं तो उसके बाद सैनिटाइज करूं अपने हाथ, वो साबुन से धोऊं। तो ये अगर डिसिप्लिन हम मेंटेन करेंगे अपनी जिंदगी में तो वो बेहतर होगा। लेकिन हाँ, लॉकडाउन चरणबद्ध तरीके से मुझे लगता है कि हटना चाहिए, क्योंकि प्रेशर कुकर जैसी स्थिति धीरे धीरे समाज की न हो जाए उससे भी बचे। ये तो निश्चित है कि अब लॉकडाउन अनंत काल तक नहीं चल सकता और कभी ना कभी खोलना पड़ेगा, तो क्या आप समझते हैं कि जागरूक हो गए हैं हमारे नागरिक इतना पिछले इतने दिनों में? ये तो मैं नहीं कह सकता कि 100% जागरूक हो गए हैं लोग, क्योंकि आपने कल दूरदर्शन के माध्यम से भी दिखाई दी अलग अलग तस्वीरें, तो वो बहुत ज्यादा उत्साहजनक नहीं है। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि हम 100% शिक्षित हो गए हैं इस विषय में, लेकिन हाँ ये है कि हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और हमें हमेशा सकारात्मक चीजों के ऊपर ही ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर हम ये सोचें कि हमारा समाज 100% आइडियल हो जाएगा
तो मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा भ्रामक स्थिति होगी। हमें वास्तविकता के साथ रहना चाहिए, लेकिन ये है जो लोग नहीं भी शिक्षित हैं वो होंगे, क्योंकि इसमें जान का नुकसान होता है इस वाली बीमारी में, और जान तो वापस आती नहीं। जो हमारे सुनने वाले इनको कहना चाहेंगे अपने संदेश में? मैं तो सबसे पहले आपको भी बधाई देना चाहता हूँ सर, कि जितना काम आप लोगों ने जागरूकता फैलाने का किया है मीडिया ने, चाहे वो आप ऑल इंडिया रेडियो देहरादून के जरिए कर रहे हो या दूरदर्शन के माध्यम से कर रहे हो, दूर दराज के क्षेत्रों में आपकी पकड़ है, पहुंच है, आप वहां पहुंचते हैं, तो वहां तक आपने जागरूकता पहुंचाई है, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद आपको। मैं ये कहना चाहता हूँ अपने सभी भाई बहनों से सुनने वाले कि आप कृपया करके जो सरकार द्वारा सुझाए गए नियम हैं उनका पालन कीजिए, अपने आप जहां तक हो सके घर में रहिए, अपने घर के बुजुर्गों का ध्यान रखिए, बच्चों का ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, हाथ धोते रहिए, और मिलना मिलाना तो बाद में भी हो जाएगा, पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, और जिससे आप कभी मिलने जाएंगे तो उसके भी स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। पंकज गर्ग जी, आप हमसे जुड़े और आपने अपने विचार हमसे साझा किए, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।